हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, इधर मैंने कल पूरे कमरे की और हॉल की और उस वाले कमरे की सफाई कर दी थी। पूरे अब बढ़िया क्लीन क्लीन लग रहा है, क्योंकि अब हमारे घर में आ रही शादी, तो मेहमान वगैरह आएंगे, तो इसलिए हमने पूरी, इधर मैंने बिस्तर वगैरह सब धुल दिए हैं। और आज दिन हो रहा है शनिवार, और बस कर दी मैंने पूरी सफाई अपने घर की, से पर्दे और वो, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, इसलिए कपड़े सूख नहीं रहे। इसकी वजह से फिर मैंने कम्बल तो सूख गया था, फिर मैंने इसको यहीं पर डाल दिया। बस तो पूरे घर की हो गई है मेरी सफाई, देखो। और बस अभी किचन बाकी रह गई है, उसको भी साफ कर लेंगे, फिर नीचे नंबर लगाएंगे। तो कल कर ली थी मैंने अपने पूरे घर की सफाई, अभी ऊपर का फ्लोर पूरा साफ कर दिया है, और नीचे, और देखो खाना बनाते सिंदूर फैल गया। अभी आ गई हूँ मैं नाका वाली, पहन लिए मैंने अपने नए नए कपड़े। बहुत गर्मी हो रही गाइस, बस। और इधर मैं पी लेती हूँ अपना गर्म पानी, इसमें मैंने शहद मिला लिया है, आराम से बैठ के पीऊंगी। और खाना मैं बना के आई, और आज खाने में बनाया मैंने गट्टे की सब्जी, क्योंकि तो हमारे घर में सबको अच्छे लगते हैं, सिर्फ इनको छोड़कर, और बाकी सबको अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। जीवा किंजल गई है अभी कोचिंग, और उसका मंडे से स्कूल ओपन हो जाएगा, फिर उसको स्कूल भी भेजेंगे, और उसका एडमिशन भी करवाना है जी किंजल का। तो गाइस, अभी हम हो गए हैं रेडी, और अभी हम जा रहे हैं जीवा के स्कूल में एडमिशन फीस भरने के लिए, और किंजल का देखते हैं इस साल एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी वो 2.5 साल की हुई है। तो बस चलते हैं। और ये मेरे इयररिंग्स भी टूट गए हैं, तो इनको भी सही करा के आएंगे, क्योंकि अब शादी आ रही है, 2-3 दिन बचे हुए। कछु नहीं, साड़ी फॉल्पी को करवा लिया हूँ, और जी बाकी फीस भरी है, वहाँ के स्कूल से फोन आ गया, फीस तो यही भरे हैं, तई मैं जे और जे करवा तई कर रही जाके वो लगवा लूँगा, बैग्स खिलाना अपन, और कबून चलेंगे। बाबू दरी तो देगी, मैं चीटिंग हो रही काय कांग है, ये पूरा डिब्बा तो भरो, तो वो तो आती ही ले आई बता इंसान। कौन सी अति मेहंदी, कलर रहता हूं ना वो, कैसी उमस हो रही। ऐसे चलो ना सीधे भाई पहुंचेंगे तो स्टेशन पे, आओ। तो गाइस, हम घर पर आ गए हैं, और इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, आते ही मैंने इसे करनी चालू। तो बस जो बाकी रह गया था सामान वो भी आ गया है, और इधर जीवा का ये सिलेबस, बस, और उसकी फीस भी जमा हो गई, और अभी ये निकलेंगे अपनी ड्यूटी, क्योंकि इनको भी निकलना है इसकी वजह से,
तो बस बहुत थक गई हूँ मैं अपनी। और इस साड़ी में भी फॉल्टी भी करवाना था जो लेकर आई थी मैं उस दिन, जब मुझे मतलब देवर की शादी है ना, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए ये साड़ी। तो बस अभी मैं नहीं बताऊंगी, तो उसी दिन शादी के दिन जिस दिन मैं पहनूंगी ना उसी दिन आप लोगों को मालूम पड़ेगा। और तो फिर बस और मैंने फिर चलते हो चेंज वेंज करते हैं कपड़े, नहीं तो यही पहने रहूँगी। मिलती हूँ अभी। तो गैस इधर लाइट भी बहुत डिम आ रही है और लाइट चली गई अब तो, और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इधर मेरा बाबू हो गया परेशान, देखो सो गया स्कूल से आके, और स्कूल में उसने क्लास में भी बैठी थी वो मस्ती कर रही, उसका तो आने का ही मन नहीं था। फिर भी अब देखो कल से एक दो दिन इसको ऐसे ही भेजेंगे, अगर ये सही बैठेगी खेलेगी तो इसका एडमिशन करवा देंगे, वरना नहीं इस साल फिर अगले साल से देखेंगे। अभी तो इस साल तो कोचिंग ही पे इसको, बस कोचिंग पर ही सिखा देंगे जो कुछ करवाना है अभी तो। तो बस अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं कि बज गए हैं 3:30 का टाइम हो रहा है और अभी जाऊंगी नीचे थे। और ये देखो मैं जल गई हूँ, पता नहीं किससे क्या हुआ, पता नहीं कीड़ा ने खा लिया या जल गई, कुछ मालूम नहीं है। लाइट देखो कम ज़्यादा हो रही है। तो गाइस गुड इवनिंग, तो अब भी हो रहा है शाम का टाइम और इधर मैंने काट ली है लौकी और ये सारी चीज़ काट के रख दी है, और अभी बनाऊंगी मैं लौकी शाम की। और अभी आज खाना जल्दी बनना है क्योंकि इनको जाना है, आप भी 4 निकलेंगे, कल मीटिंग है इनकी, इसलिए तो मैं लौकी बना दूंगी और टिफिन भी दे जाएंगे। तो बस फटाफट से बना देंगे। तो गाइस मैंने इधर कढ़ाई रख दी है और अभी इसमें डाल देती हूँ तेल। और आप लोगों को ये काली काली लग रही हो क्योंकि इसमें मैंने सुबह बनाई थी पूड़ी और अभी भी बनाई थी इनके लिए, क्योंकि आज इन्हें सुबह से खाना नहीं खाया था तो इनके लिए बनाई पूड़ी, और सुबह बनाई थी टिंडे की सब्जी। तो देखो ये पूड़ी रखी हुई है टिंडे की सब्जी और इधर लौकी बन गई है, बस जब तक तेल गर्म हो रहा है। भाई से लगा ले, लगा ले। अले मिल किट्टू, अले 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 किट्टू आजा वीडियो बनाएंगे, आजा वीडियो बनाएंगे मम्मी पास आजा, जल्दी आ। नो 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 मेरा गोलू आजा, ऐसे करना ऐसे करना, जल्दी करो बाबू। ऐसे करो बेटू, करो।
रूम किट्टू मम्मा आ रही मम्मा मम्मा आ रही मम्मा किट्टू की मम्मा आ जा जल्दी का ये जूता डाले रेडी सॉक्स। तो गाइस इधर मेरी सब्जी बनके हो गई है रेडी और बस इसको मैं पलट लेती हूँ बर्तन में बंद करती गैस। तो गाइस अभी हो रहा है रात मतलब शाम रात कुछ भी बोल लो अब तो अभी बज रहे हैं 8:30 का टाइम हो रहा है रात का। तो हम लोग अभी जा रहे हैं चाची के घर मतलब जहाँ पर शादी है वो उधर जा रहे हैं क्योंकि आज बनने जा रहे हैं माठे यानी कि। तो बस हम आ गए थे इधर चाची के यहाँ पर और ये हमारा पुराना वाला घर है वहीं पर आ गए थे। तो इधर चाची दोनों चाची बैठी हुई हैं और दीदी हैं और मैं भी आ गई थी सब लोग इकट्ठा हो गए थे। मम्मी नहीं आ पाई क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो बस इसकी वजह से। और इधर बस तैयारी हो रही है माठे बनने की क्योंकि माठे भात मांगने जाते हैं इधर के अलग अलग रीति रिवाज है जो अपने भैया के पास जाते हैं भात मांगने के लिए यानी कि बोल के आते हैं और उनके लिए माठे बोलते हैं मैदा की पूड़ी होती है ना उनको मीठा बोलते तो बस वही बना के ले जाते। तो इधर हम लोग 15 किलो के माठे बना रहे हैं और अभी रात के बज रहे हैं 8:30-9 का टाइम हो रहा है। अब देखो कब तक 15 किलो बहुत होता है तो कब तक बन पाएंगे शायद आज सुबह ही हो जाएगी। तो फिर बस इधर आधा आधा कर लिया हमने और वो दीदी ने हमारी बगल वाली दीदी है और दोनों चाची बैठी हुई हैं सामने वो दीदी। तो इधर हम आ गए थे अपनी बाइक से आए थे तो बस वो मैक्सी पहन कर आ गए थे वो ना तो मैक्सी सी लगती है ना कुर्ती सी तो बस क्योंकि हमने सिर्फ मतलब साड़ी पहने थे मैं मार्केट गई हुई थी जीवा के स्कूल तो बस उतारे में तो सोने का टाइम हो गया था थोड़ा बहुत हम बकर आई थी बच्चों का तो जब तक चाची का फ़ोन आ गया था कि आप आ जाओ फिर क्योंकि कल मतलब बुधवार को जाना है मतलब भात मांगने के लिए चाची जाएंगे अपने भाई के यहाँ अपने मायके। तो फिर बस इधर बस वही तैयारी कर रहे हैं और इधर अभी आज मैदा का इसमें बहुत ज़्यादा रिफाइंड डाला है और जिससे कि अच्छे से खस्ता बने। तो फिर बस वही अभी अच्छे से मिक्स हो रहा है रिफाइंड वो हाँ रिफाइंड पूरे मैदे में मिक्स होगा और फिर बनेगी। उधर देखो रख दिया है भगोना बड़ा सा उसमें चाशनी बनेगी 1 तारीख। तो इधर जे जीवा वगैरह भारती वगैरह सब लोग आ गए थे क्योंकि जल्दी हो जाएगा और अब ज़्यादा लोग तो है नहीं है। तो फिर और बने रहिए ब्लॉग में आगे तक। तो गाइस इधर हम लोगों ने आटा लगा के रख दिया है और इधर हम सब इकट्ठा होकर बेल लाए हैं। तो फिर बस इसमें बेल कर और थोड़े थोड़े से मतलब होल से किए जाते हैं जिससे कि अच्छे से सीख जाएं। और इधर तो बस और इधर हमारे क्या स्लो मोशन में वीडियो बन गई थोड़ा सा तो बस यहीं हंसी मजाक हो रहा है क्योंकि सब जहाँ 4 औरतें बैठी हुई वहाँ हंसी मजाक वगैरह होता रहता है। तो फिर बस वही प्रोसेस चल रही है अभी इतना ही बनना स्टार्ट हो गया कुछ बन गए हैं। तो बस अभी क्या है चाशनी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसी और कम से कम 10 किलो शक्कर की चाशनी बनने में तो बहुत टाइम लगता है भले ही बड़ा चूल्हा है फिर भी। तो फिर बस इधर हम सब मिलकर बैठ गए हैं और अपने अपना काम पकड़ लिया है अभी बस देखते हैं फटाफट से बन जाएंगे और फिर देखो कब तक पहुँचेंगे घर पर। अभी यहाँ गाना बजाना भी होगा थोड़ा सा क्योंकि ये रस्म होती है कोई तो फिर बस वही होंगे। तो इधर किंजल भी बैठ गई साथ में बनवाने के लिए।
रोहित मैं चाशनी देखिए चाशनी के लिए बन नहीं चाची की चाचनी। तो गाइस इधर सब लोग गाना गा रहे हैं और अभी बज गए हैं रात के 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और इनका फ़ोन भी किया था तो मैंने बोला अभी 1 घंटा लगेगा, अभी बहुत टाइम लगेगा। तो गाइस अंकुश गा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल जाएंगे, बस थोड़ा सा और रह गया था। तो 2 बजे हम लोग घर पहुँच गए थे अपने। तो फिर गाइस अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। तो गाइस बस अब चलते हैं घर, मिलते हैं घर पर।